इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, याकूब मेमन पर अब मामला एक हायर बेंच की ओर जा सकता है। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर है, मुंबई हमले के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच अब फैसला लेगी। दो जजों की बेंच में आपसी सहमति नहीं बनने की वजह से मुख्य न्यायाधीश के पास मामला पहुंचा। मुख्य न्यायाधीश 4 बजे इस पर सुनवाई करेंगे। याकूब मेमन की इस पूरे मामले में आपको बताएं, आज याकूब मेमन की जो पूरी सुनवाई चल रही थी उसमें जस्टिस दवे और जस्टिस कुरियन उनके पास ये मैटर गया था और जस्टिस कुरियन ने कहा कि इसमें और हियरिंग की आवश्यकता है। जस्टिस दवे इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। फिर बकायदा इस पूरे मामले में हायर बेंच को रेफर किया गया है। अब यह हायर बेंच करेगी कि नहीं करेगी इस पर फैसला 4 बजे के आसपास होगा। इसमें एजी अटॉर्नी जनरल के जो पॉइंटर्स हैं उसमें वो बता दें कि नए फैक्ट्स जो आ रहे हैं उस पर सुनवाई नहीं हो सकती। ये एजी ने कहा है, अटॉर्नी जनरल ने कहा है, सिर्फ डेथ वारंट को चैलेंज करने वाली याचिका पर सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव पिटीशन पर जो फैसला है आया है वो बिल्कुल सही है। याकूब ने अपने सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर लिया है। कि हम कोर्ट की मान्यता करते हैं, सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन जैसा कि अभी मेरे भाई हमारे जो खुद एमएलए इम्तियाज जलील साहब ने बताया, उसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं करते हुए मैं और एक चीज़ इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि जस्टिस मार्कंडेय काटजू का जो स्टेटमेंट आया है वो आप सबके सामने है, आप सबने पढ़ा है। उस स्टेटमेंट में मार्कंडेय काटजू साहब ने खुद लिखा है कि मैंने पूरे एविडेंस को पढ़ा है और मुझे एविडेंस पूरा पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक ठीक है। इतना बड़ा अगर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रह चुके हो जो उनका स्टेटमेंट है, तो क्यों नहीं न्यू मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस की बुनियाद के ऊपर फिर से याकूब मेमन की ट्रायल को देखा जाए। क्यों एक इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल है। और जैसा कि अभी बताया गया है कि रमन साहब की जो बुक लिखी गई है और रेडिफ के ऊपर भी वो है, उन्होंने खुला कहा है कि याकूब मेमन ने सरेंडर किया है। ही डिड नॉट उसने तो सहायता की है पूरी देश की। यहाँ तक आया है अखबारात में हर जगह लेख कि याकूब मेमन इज द पर्सन जिसने ये साबित किया है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था इसमें। 40 बरस से सरकार एविडेंस ढूंढ रही थी, जो एविडेंस सरकार को नहीं मिला वो एविडेंस जो इंसान प्रोवाइड करता है, तो क्या आप उसको फांसी की सजा दोगे? इस पूरे मामले में अब सवाल ये खड़ा होता है कि पहला तो सुप्रीम कोर्ट की हायर बेंच जो है वो इसको लेगी कि नहीं लेगी, और अगर वो लेती है तो फिर क्या होता है, क्योंकि याकूब की फांसी की तारीख 30 जुलाई मुकर्रर है। 1 दिन का वक्त बाकी है, आज हो चुकी है 28, 29 और 30, यानी बस 24 घंटे के अंदर ये फैसला होगा कि याकूब को फांसी होगी कि नहीं होगी। और इसको लेकर ये पूरे मामले का जो वर्डिक्ट आया था 2007 में, टाडा कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया था जुलाई के महीने में कि याकूब को फांसी होनी चाहिए। तब से ये मामला बढ़ते बढ़ते अब यहां तक पहुंच चुका है। जस्टिस दवे ने सुनवाई से इनकार किया, लेकिन जस्टिस कुरियन ने कहा कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से दोनों के बीच में एक कंसेंट नहीं था इस चीज को लेकर, एक अलग अलग ओपिनियन था, इसीलिए यह मामला लार्जर बेंच की बात हो रही है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये याकूब मेमन की अभी हाल फिलहाल की तस्वीर है। कितना फर्क आ चुका है,
याकूब मेमन की ये अभी हाल फिलहाल की तस्वीर है, बहुत फर्क आ चुका है शक्ल में। अभी याकूब मेमन की फांसी के ऊपर जो फैसला अगले 24 घंटे में लगभग ये साफ हो जाएगा, तकरीबन साफ हो जाएगा कि याकूब को फांसी होगी कि नहीं होगी, ये याकूब मेमन की लेटेस्ट तस्वीर है। साहिल जोशी हमारे साथ हैं। साहिल, ये तस्वीर तो काफी फर्क है। जी बिल्कुल, दरअसल ये तस्वीर याकूब मेमन के परिवार ने दी है और उनका दावा है कि याकूब मेमन हाल फिलहाल में ऐसे दिखते हैं। हालांकि ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है, जब उन्होंने एमए की परीक्षा दी थी उस वक्त जो उनकी तस्वीर निकाली गई थी उनके पहचान पत्र के लिए, उसके ऊपर से ये तस्वीर उन्होंने हमको मुहैया कराई है और उनका कहना है कि वो ऐसे दिखते हैं। काफी फर्क आ चुका है, परिवार का मानना है कि याकूब मेमन ने पिछले 20 साल जो उन्होंने जेल में काटे हैं, 22 साल उसके वजह से काफी फर्क आ चुका है। हालांकि 2007 में मैंने उनको देखा था जब टाणा कोर्ट में मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर जो कोर्ट अदालत थी वहां पर जो सुनवाई चल रही थी, जब फैसला हो रहा था तब याकूब मेमन को मैंने कई बार देखा है कोर्ट में। काफी यंग तब दिखते थे लेकिन कुछ ही सालों में काफी फर्क उनमें आ गया, ये साफ नजर आता है इसमें। एक और चीज यहाँ पर बड़ी गौर करने वाली है कि देखिए कहा यह जा रहा है, कई जगह ये कहा गया है कि याकूब जो है वो सिज़ोफेनिया का पेशेंट है, याकूब की मानसिक हालत ठीक नहीं। देखिए ये जो कहा जा रहा है, याकूब मेमन ने खुद जो अपनी अपने हस्ताक्षर में जो अर्जी महाराष्ट्र के गवर्नर को भेजी है उसमें उन्होंने खुद ये दावा किया है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है और इसकी वजह से उनको उनकी फांसी टाल देनी चाहिए। उनका खुद का दावा है कि उनकी मानसिक हालत ठीक ना होने की वजह से ये फांसी टाल देनी चाहिए। उन्होंने उस अर्जी में ये भी कहा था कि कई साल उन्होंने अब कोर्ट जेल में बिताए हैं और उनके साथ जो प्लांटर्स थे जिन्होंने बॉम्ब प्लांट किए थे मुंबई में अलग अलग जगहों पर, उनकी भी फांसी रद्द करके उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट सजा दी है। ऐसे में उनके उनकी ये भी सोचना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए और उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके उनके जो वकील है उनका भी यही दावा था। क्या हश हो गया है, जरा सोचें, ये वो आदमी है जिसको एक जमाने में अपने परिवार के सबसे पढ़े लिखे सदस्य मेमन समाज ने उन्हें सर्वोत्तम चार्टर्ड अकाउंटेंट का खिताब दिया था। मुंबई के भाईखला इलाके के रहने वाले अब्दुल रजाक मेमन की तीसरी संतान 53 वर्षीय याकूब की सारी पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में हुई और ये याकूब मेमन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तब की तस्वीर है और ये अब की तस्वीर है। जमीन आसमान का फर्क आ गया है, 20 सालों में बहुत फर्क आ गया है और ये अभी हाल फिलहाल की तस्वीर है। और साहिल इस वक्त हमारे साथ है। साहिल, बताया जाता है कि जेल में ही याकूब ने डबल एमए की पढ़ाई पूरी की है और ऊपर से एक चीज ये आती है कि वो सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है, ये दोनों चीजें अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। देखिए एमए इंग्लिश की उन्होंने पढ़ाई की थी, पिछले साल ही उन्होंने ये परीक्षा दी थी एमए इंग्लिश की। उनका ये दावा है कि पिछले 6-7 महीने में जब से उनका रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो गया, जो राष्ट्रपति ने उनकी दया की अर्जी खारिज कर दी, एक एक जो उनके कानूनन ऑप्शन थे वो जैसे जैसे खत्म होते गए उसके बाद से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसकी वजह से ये उनकी हालत हुई है। कुल मिलाकर उनका परिवार अभी भी सोचता है कि अभी भी जो ऑप्शन है उसको पूरी तरीके से एग्जॉस्ट किया जाए। साहिल आप मेरे साथ बने रहिए, साहिल आप मेरे साथ बने रहिए, यहाँ पर एक एक पल बड़ा मायने रखता है याकूब के लिए। और अभी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ये याकूब की सबसे लेटेस्ट तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये, याकूब की ये लेटेस्ट तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी मुख्य न्यायाधीश कल लेंगे फैसला, नई बेंच के गठन पर कल होगा फैसला, ये एक और डेवलपमेंट है। अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ है। अहमद अजीम, पूरी खबर बताएं। देखिए निशांत, याकूब मेमन के जो वकील हैं राजू रामचंद्रन, यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने इस मामले को मेंशन किया और चूंकि दो जजेस जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे आज सुबह से, उन्होंने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है, यानी एक जज की राय अलग है, दूसरे जज की राय अलग है।
इसलिए ये मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया गया है उनकी तरफ से, उन दोनों जजेस की तरफ से। तो आज इसको अर्ली हियरिंग के लिए मेंशन किया गया राजू रामचंद्र की तरफ से, जो कि वकील है याकूब मेमन के, और ये कहा गया कि फौरन इसमें जो है एक लार्जर बेंच बना दिया जाए और इस मामले की सुनवाई हो। तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा वो कल ही इस मामले में सुनवाई होगी और बेंच जो है वो कल तक कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। यानी कि आज देर शाम है जब ये मामले की सुप्रीम कोर्ट की पूरी कॉज लिस्ट बनती है, तो हो सकता है कि उसमें ये मामला लिस्ट हो जाए, बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाए और कल जो है मामला सुनवाई पे आ जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कोई अपनी तरफ से इसमें रोक लगाने से मना कर दिया है, जो एग्जीक्यूशन है उसको लेकर। हालांकि सुबह जो दोनों जजेस, उनमें से एक जज ने रोक लगाने की बात कही थी और दूसरे जज से आग्रह भी किया था कि कॉमन ऑर्डर पे बात। ये जो आप बता रहे हैं कि ये आप जो बता रही है दोनों जजों वाली बात, आइए अपने दर्शकों को हम ये दिखाना चाहेंगे एक बार कि क्या क्या हुआ था। जस्टिस कुरियन और जस्टिस दवे सुनवाई के पक्ष में थे, जस्टिस कुरियन, जस्टिस दवे नहीं थे। तुरंत फैसला लेना चाहते थे जस्टिस दवे। याकूब के फांसी पर रोक लगे, ये जस्टिस कुरियन का कहना था। न्याय देने वाला कोर्ट बेबस नहीं देख सकता, राजा दोषी को सजा नहीं देता है तो जिम्मेदारी राजा की होती है, यह जस्टिस दवे का कहना है। तो इस वक्त दो खबरें आपके सामने हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि कल होगा फैसला फांसी पर, क्योंकि उसके अगले दिन 30 तारीख मुकर्रर है फांसी के लिए। दूसरी चीज, याकूब की जो अभी लेटेस्ट तस्वीर एक्सक्लूसिवली आज तक ने दिखाई है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ